प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालिनी भारती, चित्रकला विषय में ज्ञानदूत कार्यक्रम की समन्वयक, आपका इस लाइव क्लास की श्रृंखला में स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच डॉक्टर सारिका कॉल हैं, जो कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय में कार्यरत हैं, और आज वो आपको विंसेंट वैन गॉग के ऊपर व्याख्यान देंगी। तो मैं आमंत्रित करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ कि आए आप और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। धन्यवाद शालिनी मैम, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि मैं सिर्फ अपने ही छात्राओं को ना पढ़ा सकूं, बल्कि बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राओं के साथ चर्चा कर सकूं और उनके साथ अपना कुछ ज्ञान साझा कर सकूं। आज इसी श्रृंखला में हम विंसेंट वैन गॉग के बारे में चर्चा करेंगे। एक कलाकार को पढ़ना या उसके बारे में जानना ऐसा क्यों जरूरी है, एक सवाल मेरे मन में उठता है। क्या सिर्फ नंबर पाने के लिए? नहीं, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकर हम भी उनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। और क्या महत्वपूर्ण है, ये जान सकते हैं कि वो इतने महान कलाकार आज कैसे बने। शायद जब वो पेंटिंग्स बना रहे थे, आपकी तरह स्टूडेंट्स थे या पेंटिंग बना रहे थे, तो उनको ये पता भी नहीं था कि वो इतने महान हो जाएंगे। तो उसी श्रृंखला में एक आधुनिक कलाकार, बहुत प्रिय मेरे विंसेंट वैन गॉग के बारे में चर्चा करेंगे। ही इज नोन एज पेंटर ऑफ पेन एंड डिस्पेयर, दर्द और वेदना के कलाकार के नाम से जाना जाता है। ये माना जाता है कि उनकी जीवन में इतनी कठिनाइयां थी, फिर भी वो कभी नहीं रुके, अनवरत साधना करी और आगे बढ़ते चले गए। पूरे जीवन काल में उनको कोई प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रोत्साहन ही एक बड़ा उद्देश्य हो कि हम आगे कलाकृतियां बनाते चले। तो उसी प्रेरणा स्रोत को आज हम जानेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट ऑफ पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, उत्तर प्रभाववाद के बहुत महान कलाकारों में इनकी गणना होती है। इनका जीवन और इनके कृत्य इनकी भिन्न नहीं थी, मतलब इनकी कलाकृतियां और इनका जैसा जीवन था, जैसा सादा जीवन, कष्ट भरा जीवन था, वैसे ही दर्द और वेदना उनकी कलाकृतियों में नजर आती है। उन्होंने ज्यादातर दीनहीन गरीब मजदूरों के चित्र बनाए, गरीब लोगों के चित्र बनाए, असहाय बेसहारा लोगों के चित्र भी बनाए। उसके अलावा एक काल ऐसा था उनके जीवन में, कालखंड ऐसा था जब उन्होंने प्रकृति का अंकन किया, बाग बगीचे, बहुत सुंदर खेत कल्याणों, रिवर साइड, नदी के किनारे, ब्रिजेस, रेस्टोरेंट और व्यक्ति चित्र, स्टिल लाइफ भी बनाए हैं। आरंभ में उनके जो चित्र हैं उनमें हम काले भूरे रंगों को देखते हैं, बाद में कुछ समय ऐसा आता है कि जब वो रंग सुहावने रहते, उनका मन प्रसन्न हो गया तो वो रंग भी सुहावने हो गए, जब मन उदास हो गया तो रंग भी गहरे काले भूरे हो जाते हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है, तो वैन गॉग के साथ भी ऐसा ही हुआ है। His works depict the rough beauty, emotional honesty and bold strokes in bold color. कहने का मतलब है वो खुरदरी सौंदर्य जो कि अछूता है, जिसपे कि कोई दाग तो नहीं कहूंगी कि उस पर कोई आवरण नहीं चढ़ा है, ऐसे सौंदर्य को उन्होंने दर्शाया है और एक ईमानदारी से उन्होंने चित्रण किया है और उसके व्यक्तित्व को निखारा है। अगर यदि पोर्ट्रेट बनाया है तो वो सच्चाई से उन्होंने दर्शाया है कि ये व्यक्तित्व उस इंसान का उस चित्र में नजर आए। और एक विशेषता ये रही है कि जितने भी चित्र उन्होंने बनाए हैं उसमें वो स्ट्रोक्स नजर आते हैं, आघातों से उन्होंने चित्र बनाए, गाढ़े रंगों का प्रयोग किया है और बहुत बार ब्राइट कलर्स भी यूज करे हैं, चटकीले रंगों का प्रयोग किया है, तो गहरे भूरे रंगों का भी प्रयोग किया है। He lived a life of a loner and suffered mental illness. बहुत दुखद है उनकी कहानी कि उन्होंने एक एकाकी जीवन व्यतीत किया, प्यार के लिए हमेशा तरसते रहे, लोगों को प्यार बांटना चाहते थे, मानवता की सेवा करना चाहते थे, लेकिन हमेशा उनको नकारा गया। इस वजह से उनको बहुत सारी मानसिक कष्टों सहने पड़े, कष्ट सहने पड़े, मानसिक वेदना हुई और इतनी ज्यादा ये वेदना बढ़ गई कि उन्होंने एक छोटी अल्प आयु में, 37 वर्ष की आयु में अपने आप को गोली से मार लिया और उस जख्म से उन्होंने 1819 में उनका देहांत हो गया 27 जुलाई। He believed that miseries of man never end. वो मानते थे कि इंसान के दुखों का अंत कभी नहीं हो सकता, पूरे जीवन काल में उनके दुख चलते चले गए। तो शायद ये कारण था कि उनकी ऐसी मानसिकता बन गई और वो दर्द वेदना उनके चित्रों में हमें नजर आती है। Journey and works of Van Gogh, कला यात्रा और कलाकृतियां विंसेंट वैन गॉग। He was a painter of Dutch origin. Netherlands से आते हैं, Dutch, I am a Dutch man, Van Gogh. Dutch origin से हैं, Dutch हैं। जुंडरेट में उनका जन्म हुआ था 1853 से 1853 में उनका जन्म हुआ था। डच होने की वजह से उनके ऊपर वैन आयक और बहुत सारे कलाकारों का प्रभाव पड़ा है, इस वजह से वो गाढ़े
भूरे ग्रे ब्लैक ब्राउन कलर्स में उनके चित्र आरंभिक काल में नजर आते हैं, रंग उनके चित्रों में। राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड अ पैशन ऑफ पेंटिंग, तो चित्र बनाने का शौक उनको बचपन से था, लेकिन उन्होंने इसको अपनाया बहुत बाद में अपनी जिंदगी में। बहुत तरह तरह की नौकरियां करी उन्होंने, शुरुआत में सेल्स पर्सन का काम किया, गोपिल की दुकान पर पेंटिंग्स बेचने का काम किया था, बड़ी ईमानदारी से पेंटिंग बेची हेग में, तो उनका प्रमोशन हो गया, उनका मालिक बहुत खुश हो गया, उनको लंदन भेज दिया, लेकिन लंदन जाना उनके लिए बहुत बड़ा घातक साबित हुआ। मैंने आपको बताया था कि उनको बहुत सारे मानसिक अवसाद हुए, टुकराया गया उनको जीवन में। तो पहला जो घटना उनके घटी है वो लंदन में घटी है, जब वो एक लड़की थी, उर्सुला नाम था, जो कि वहां के जो लैंडलॉर्ड था, उनके जो मकान मालिक थे, उनकी बेटी थी, उसके प्रेम में पड़ गए। लड़की ने भी थोड़ा इंटरेस्ट शो किया था, उनको लगा कि शायद वो उनको प्रस्ताव दे सकते हैं। तो एक दिन उनके प्रस्ताव ले, प्रेम का प्रस्ताव लेके पहुंच गए उनके पास, और उस लड़की ने उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ा धक्का वैन गॉग को लगा। शायद माना जाता है कि सबसे बड़ी जड़ है या नींव है उनके इस मानसिक अवसाद की, और आगे जाके जिस वजह से उन्होंने और भी ऐसी घटनाएं हुई कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। फेलियर्स इन लाइफ कंटिन्यूड, और जितने भी उनके कष्ट थे वो कभी अंत नहीं हुए और धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए। बहुत कष्ट झेले हैं, गरीबी भी झेली और अकेलापन, सिर्फ उनकी जीवन में एक ही प्यार था जो उनका भाई था, थियो। He also worked as a French teacher. जब वो वहां से छोड़ के चले गए तो उन्होंने एक फ्रेंच स्कूल में काम करना शुरू करा, वहां से फीस कलेक्ट करा करते थे बच्चों। तो जो गरीब बच्चे आते थे उनको देख के वो इतने द्रवित हो जाते थे कि वो उनकी फीस माफ करते, इस वजह से उनको उस नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। उनको लगा कि उन्होंने क्या गलती करी, मैंने तो सही काम किया, एक गरीब जने गरीब इंसान की मदद करी, एक बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करी और मुझे यहाँ से निकाल। उनको कभी समझ में नहीं आता था कि ये किस तरह के मापदंड हैं कि जो हमें किसी की सहायता करने से रोक देते हैं। देन ही वर्क एज अ प्रीस्ट, फिर उन्होंने सोचा कि एक मेथोडिस्ट स्कूल में धर्म का अध्ययन करना शुरू किया और वो धर्म के ज्ञाता बनना चाहते थे, प्रीस्ट बनना चाहते थे, पादरी बनना चाहते थे, और वहां पे वो उसी तरह से ड्रेसअप होकर रहते थे, यूज टू प्रीच रिलीजन एंड। लेकिन वो प्रीस्ट बनने का जो सपना था वो टूट गया उनका, क्योंकि वहां पे ऐसा है कि नेदरलैंड में आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है यदि आपको पादरी बनना होता है, और वो पास नहीं कर पाए और बड़े दुखी हो गए। दुखी मन से वो वहां से चले गए, ही वेंट टू कोल माइनिंग डिस्ट्रिक्ट बोरोनीज चले गए, वहां पे मिशनरी के तौर पर, वहां पे वो धर्म पे व्याख्यान दिया करते थे, खदानों, कोल की खदान है वहां पे, वहां पे चले गए। वहां पे उन्होंने देखा कि इतनी कष्ट भरा जीवन वहां के श्रमिक जी रहे हैं, उसको देख के वो इतने द्रवित हो गए कि उनका मन चित्र बनाने को कर गया, और यहां से माना जाता है कि उनकी कला यात्रा शुरू होती है। फाइनली ही टुक अप द सजेशन ऑफ हिज ब्रदर, और अपने भाई थियो के कहने पर उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति और मानवता की सेवा के लिए चित्र बनाना शुरू कर दिया। और उस समय वो मानने लग गए थे कि क्राइस्ट वॉज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, और मानते थे कि भगवान सबसे बड़ा कलाकार। उन्होंने नाना प्रकार की चीजों को बनाया, पेड़ पौधे झरने और दर्द और सुख दोनों को बनाया है भगवान ने। His works are broadly divided into three periods. तीन कालखंडों में उनके कलाकृतियों का हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो समय आता है, कालखंड आता है, वो ह्यूमैनिस्ट अप्रोच एंड डच पीरियड, मानवतावादी दृष्टिकोण का समय, और उसे डच पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि भूरे काले रंगों का प्रयोग किया। 1880 to 1886 का समय है, रोमांटिक रियलिज्म भी कहते हैं, रोमांसवादी यथार्थवाद, उसमें कहानी है, उसमें एक सोच है, एक भावना जुड़ी है जितने भी उन्होंने चित्र बनाए हैं। दूसरा कालखंड है पेरिस पीरियड एंड वर्क्स एट आल्स, जो पेरिस का समय, चकाचौंध, बहुत खुश हुए पेरिस जाके, वहां पे उन्होंने वहां पे रेस्टोरेंट्स में घूमे, बहुत सारे कलाकारों के साथ चर्चा करी, तो उनका मन प्रसन्न हो गया कुछ समय के लिए, और फिर वो आल्स चले गए, वहां पे भी बहुत खुश थे। तो इस समय उन्होंने ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, लाइफ की जिंदगी के सुहावने पलों का अंकन किया है। प्रभाववाद का असर नजर आता है क्योंकि इसमें ब्राइट कलर, चटकीले रंगों के स्ट्रोक्स नजर आते हैं। और अंतिम समय जो आता है कि टाइम स्पेंड एट रेनीज हॉस्पिटल, ये एक मेंटल हॉस्पिटल था, मानसिक चिकित्सालय था जहाँ पे उन्होंने व्यतीत किया, क्योंकि जब वो इतने मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गए तो ये अंतिम कालखंड आ जाता है। लेकिन उस समय उन्होंने इतने सारे चित्र बनाए, उनकी कला शैली परिपक्व हो गई, और ये बहुत महत्वपूर्ण काल समझा जाता है उनकी कलाकृति। इन हिज अर्ली वर्क्स वी फाइंड अ ह्यूमैनिस्ट अप्रोच, He made mostly paintings of mine and farmer laborers. उन्होंने जो humanist period है, जो मानवतावादी दृष्टिकोण वाला समय है, या जिसे हम Dutch period कहते हैं, उस समय उन्होंने खदानों में काम करने वाले या
खेत खलियानों में काम करने वाले श्रमिकों का चित्रण किया, अनाथों का चित्रण किया, गरीब दीनहीन गरीब मजदूरों का, सड़कों के किनारों का आदि का बहुत सुंदर चित्रण किया है। ये पेंटेड इन क्रेयॉन चाकोल एंड ऑयल, उन्होंने ज्यादातर चाकोल में क्रेयॉन में और ऑयल में चित्र बनाए, भूरे गाढ़े रंग बनाए का प्रयोग किया है डच इन्फ्लुएंस की वजह से, डच प्रभाव की वजह से। और कई कलाकारों ने उनकी गाढ़े और गहरे रंगों के प्रयोग की वजह से उनकी आलोचना भी करी है। उस समय का एक महत्वपूर्ण चित्र है, ही मेड अ लाइन ड्रॉइंग ऑफ अ हेल्पलेस वुमन, सीए नाम की एक वैश्या थी और उसका रेखा चित्र बनाया है जिसका नाम उन्होंने सौरव दिया। इसके पीछे भी एक कहानी है। दूसरा अवसाद इनके लिए आ जाता है, दूसरी घटना इनके जीवन में घटित होती है जब एक वो एक दीन गरीब और असहाय औरत को देखते हैं। वो औरत थी, उनके लिए वैश्या नहीं थी, उन्होंने औरत के रूप में उसको देखा और उनको लगा कि मैं उसको सहारा देना चाहते, सच्चे मन से उसे शादी करना चाहते थे, सहारा देना चाहते थे क्योंकि बहुत सिंपल या साधारण व्यक्तित्व के इंसान थे, वो प्यार बांटना चाहते थे। लेकिन जो सीए थी उसको ऐसा लगा कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जीवन में या इस दुनिया में कि वो एक बिना किसी मतलब के आपको सहारा देना चाहे, और वो घबरा गई और छोड़ के चली गई और उससे वैन गॉग को इतना धक्का पहुंचा। उसके बाद उन्होंने लाइन ड्राइंग बनाई थी जिसका नाम है सौरव और उसके नीचे उन्होंने लिखा था दिस इज द वे अ लोनली डिजेक्टेड वुमन, इस प्रकार एक असहाय महिला दिखती है। इसका चित्र मैं आपको आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, पटेटो ईटर्स, हिंदी में इसको आलू भक्षी कहते हैं, जो डच काल का महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है, जिसमें उन्होंने उन श्रमिकों की कुटिया का अंतरम दृश्य का अंकन किया है कि कुटिया का ग्रे ग्रीन ब्लैक ब्राउन टोन्स में उसको यूज करा है, उन्होंने प्रयोग में लाए हैं। और एक छोटी सी टिमटिमाता हुआ बल्ब ऊपर दिखाया, लैंप दिखाया जो कि उनके चेहरे पर आ रहा है और उनकी जो थकान और उनके नैन नक्श, उनकी उभरी हुई आंखें, गड्ढे, झुर्रियां, उसको और उभार देते हैं। तो अगर आप एक कलाकार से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसकी कलाकृति को इस तरह से अध्ययन करें कि उसने छाया प्रकाश का कैसे प्रयोग किया है और एक नाटकीय रूपांतर देके उस भावना को और जगाने के लिए किस तरह से आप उसमें सच्चाई या यथार्थवाद को दर्शा सकते हैं, उस भावना को दर्शा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसमें कि लाइट जो जितने भी श्रमिक बैठे हैं उनके चेहरे पर पड़ रही है और उनकी भाव भंगिमाओं को या उनके श्रम को, उनके थकान को दर्शा रही है। उनके हाथों को देख के लगता है कि हाँ ये मजदूर हैं जो एक आलू का भोजन कर रहे हैं। आलू का भोजन बहुत सस्ता भोजन माना जाता है यूरोप में, तो गरीब लोग ही ज्यादातर करते हैं और कॉफी पी रहे हैं। उन्होंने इस चित्र के बारे में कहा था कि अब यदि इस चित्र में से सीलन, गोबर या पसीने की बदबू आए तो मैं एक सफल कलाकृति बनाने में सफल हो जाऊंगा या मैं सफल कलाकार बन जाऊंगा यदि इस चित्र को देखकर किसी को धुएं की बदबू या उसका खुशबू नजर आ सुनाई महसूस हुए या गोबर की महक आए या पसीने सीलन उनकी थकान। कहने का मतलब कि भावनाओं को उन्होंने इस तरह से दर्शाने की कोशिश करी है कि वो चित्र यथार्थ हो जाता है। तो इसीलिए रफ ब्यूटी का मैंने जो आपसे जिक्र किया था कि जो खुरदरा सौंदर्य है जिसमें कोई आवरण नहीं है, उसका अंकन में ये माहिर थे विंसेंट वैन गॉग। बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, बहुत बार प्रश्न भी आता है इस पर, आप इसको ध्यान से देखिएगा और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं यदि आपको इस तरह के यथार्थवादी अंकन करने हैं या नाटकीय रूपांतर करना है या भावनाओं की अभिव्यक्ति करनी है तो किस तरह से एक अध्ययन करके, गहन अध्ययन करके आप चित्र बना सकते हैं। Then he studied fine arts at Academy of Fine Arts Antwerp, Antwerp चले गए, वहां पे उन्होंने कला का अध्ययन किया। यहाँ जाकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी और अपनाया भी। सौरा से मिले, दिलाकरा से मिले, जापानी सिंबल्स देखे, जापानी कला से, छापा चित्रण कला से बहुत प्रभावित हो गए। तो उनके बहुत सारे चित्रों में हमें ये जापानी छापा चित्र की छाप दिखती है, अपने ही ढंग में, अनूठे ढंग में मौलिकता नजर आती है उसमें। देन ही ज्वाइंट कोरमो स्टूडियो टू स्टडी जापानीज, उनके भाई ने उनको कोरमो स्टूडियो, क्योंकि उन्होंने देखा कि जापानी छापा चित्र की ओर उनका इतना रुझान है, इस वजह से उनका वहां पे भी दाखिला कराया गया। वहां पे फिर वे लॉथरिक से मिले, इमाइल बर्नार्ड से मिले और आगे जाके पॉल गोगुआ से उनकी बहुत गहन मित्रता हो गई। इतनी मित्रता हो गई कि एक बार ऐसा हुआ कि वो आपस में वाद, इतना विवाद बढ़ गया कि उनके पीछे उस्तरा लेके दौड़े। तो धीरे धीरे उनका मानसिक पतन होता चला गया। प्यार भी बहुत शिद्दत से करते थे और गुस्सा भी उतनी ही शिद्दत से करते थे, क्योंकि बहुत एक ईमानदार और निश्चल और क्लियर हार्टेड आर्टिस्ट माने जाते हैं। फाइनली इस पैलेट बिकेम ब्राइटर विद येलोज, रेड, पिंक्स एंड ब्लूज इन थिक स्ट्रोक्स। जब वो पेरिस में थे
जब एंटवर्प में गए, पेरिस गए, तो वहां पर उन्होंने बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं। उसके श्रृंखला में पियर तांगवी का एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, स्टिल लाइफ बनाई, प्लम ट्रीज बनाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर चित्र उन्होंने अंकित किए, मनोरम दृश्यों को अपने कैनवस पे उकेरा है उन्होंने। ये है पियर तांगवी का व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट है, 1887 में बनाया गया है। आप पीछे देख सकते हैं कि जापानी छापा चित्र हमें नजर आते हैं, लेकिन ये वैन गॉग की ही शैली में बनाया गया है, बहुत खूबसूरत ढंग से, क्योंकि वो जापानी रंगों से बहुत प्रभावित हो गए। तो एक तरफ डच काल के चित्र हैं जो गहरे, गाढ़े, काले, भूरे रंगों से बने हैं, और एक तरफ है कि सुहावने ब्राइट कलर्स में बने हुए चित्र। वैन गॉग वंस सेड, इफ यू वांट टू ग्रो यू मस्ट प्लंज डीप इनटू द अर्थ। कहने का मतलब है, यदि आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को निखारना है, तो गहराइयों में चले जाइए, सत्य की खोज करिए, या एक कलाकृति को समझने के लिए उसकी गहराई में चल जाएंगे तो ही आप आगे सीख सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। He finally moved to Arles and rented a room on top of a restaurant. वहां और वहां पे उन्होंने अपना कमरा सजाया, बहुत खुश थे, दो कुर्सियां रखी, बेड रखी, और मशीन की तरह दिन रात काम किया करते थे। एक कुर्सी को अपना नाम दे दिया कि विंसेंट चेयर, दूसरी कुर्सी बोंग बोगुआ की थी, बोंग जिसे हम कहते हैं, और बेडरूम उनका, और बहुत सारे चित्र बनाए हैं। बहुत प्रभावित थे बोंग से, उनसे बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन बाद में एक हादसा हो गया जिसकी वजह से उनकी मित्रता खत्म हो गई। देन ही ऑल्सो, इसी समय एक और महत्वपूर्ण समय है, जब आर्ल्स और पेरिस पीरियड में उन्होंने रंगों का प्रयोग पर प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग करना शुरू करा। कहने का मतलब है, सिंबॉलिक फॉर्म में, जैसे लाल रंग हमारी वासनाओं को, हमारे उत्तेजनाओं को या उल्लास को दर्शाता है, सौभाग्य का प्रतीक है, नीला रंग विश्राम को दर्शाता है, तो उन्होंने बेडरूम नाम का जो चित्र बनाया था उसमें ब्लू, बहुत सारे चित्र बनाए बेडरूम के, लेकिन एक जो चित्र है जिसमें उन्होंने लाइट ब्लू यूज करा है, हल्का नीला रंग यूज किया है, दिखाने के लिए विश्राम की स्थिति की, निद्रा की स्थिति को दर्शाने के। दूसरा है नाइट कैफे, जिसमें लाल और हरे रंगों का प्रयोग किया है अपनी भावनाओं को, अपने आवेगों को दर्शाने के लिए। इस यहां से शुरू हो जाता है कि प्रतीकात्मक रूप में रंगों का प्रयोग। He believed that art of painting is divine. वो मानने लग गए थे, इतने खुश हो गए थे, इतने उसमें डूब गए थे कि वो मानने लग गए थे कि जो चित्रकला है, जो चित्रण है, वो एक दैवीय अनुभूति है, हमें उस तरह की खुशी प्रदान करती है जैसे कि हमें ईश्वर के दर्शन हो गए। ये है आर्ल्स के समय के कुछ चित्र, कैफे टेरेस एट नाइट, सनफ्लावर बहुत फेमस चित्र है, सूरजमुखी के फूल, देखिए पूरा दृश्य नजर आता है। इसी तरह से पेरिस के अगर सड़कों पे जाएंगे तो इसी तरह से कैफे बाहर लगे होते हैं, पत्थर की सड़कें हैं वहां पे, और रात की रोशनी और सितारे टिमटिमा रहे हैं। तो वैन गॉग ने उस दृश्य को आपके सामने प्रस्तुत किया है, उस समय का जो कैफे था। ड्यू टू ट्रेजिक पास्ट एक्सपीरियंस इन सेंसिटिविटी, ही लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। कहने का मतलब है कि उनके पुराने जीवन के घटनाएं जितनी भी घटी उस, और वो बहुत संवेदनशील थे, जरूरत से ज्यादा संवेदनशील थे, और अकेले थे, एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उन्होंने अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खो दिया, और अंतिम पल में तो बहुत ही कठिन समय बिताया उन्होंने। एक बार मैंने आपको बता ही दिया था कि गोंग के साथ उनका इतना ज्यादा विवाद हो गया था कि उसके पीछे रेजर लेके दौड़े। और दूसरी एक और ऐसी मानसिक अवसाद की घटना हुई थी कि एक वैश्या थी रेचल जिसका नाम था, उसके दरवाजे पे अपने कान को काट के कागज में लपेट के उसे दरवाजे पे छोड़ाए थे, इतने उत्तेजित हो गए थे, इतने नाराज हो गए थे, इस वजह से छोड़ाए। तो उनको बाद में ऐसा लगने लगा कि इस तरह से अगर घटनाएं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उन्होंने खुद ने अपने भाई से कह के अपने आप को मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया। वो ठीक होना चाहते थे और अपने मन को शांत करना चाहते थे, क्योंकि उनको बहुत सारे हेलुसिनेशंस भी होते थे, मृत्यु की स्वप्न भी आने लग गए थे धीरे धीरे उनको, उससे वो बहुत परेशान हो गए थे। अब एट सेंट रेमीज, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काल है, ही पेंटेड लाइक ही नेवर पेंटेड बिफोर, की आज तक इतने चित्र उन्होंने कभी नहीं बनाए जितने, 70 पेंटिंग्स बनाई हैं लास्ट टू मंथ्स ऑफ हिज जीवन के अंतिम दो महीनों में, करीबन 70 चित्र बनाए, जितने भी दृश्य उनको दिखे, और परिपक्व हो गया उनके शैली, क्लिनिक के, वीट फील्ड्स के, फूलों के, साइप्रस ट्री के, जैतून के पेड़ के आदि के बहुत सारे चित्र बनाए। फेमस वर्क जो है महान कलाकृतियां उस समय की है, स्टारी नाइट आप सब जानते हैं, बहुत सुंदर और बहुत महानतम कलाकृतियों में उनकी गणना होती है, पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर काश के, ये भी बहुत महंगा बिका है चित्र, एंट्रेंस ऑफ सेंट रेमी, सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ बैंडेज बियर, बीट फील्ड विद साइप्रस, और बहुत सारे अनेकों चित्र हैं जो उन समय के आप देख सकते हैं।
ये आ गई स्टारी नाइट। इसको अगर ध्यान से अध्ययन किया जाए तो ये समझ में आता है कि वाकई वैन गॉग एक मानसिक अवसाद से ग्रसित थे। ये वक्राकार मंडलाकार जो रेखाएं हैं या जो स्ट्रोक्स हैं वो दर्शाती हैं कि सब कुछ शांत नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, उनके मन में कुछ भंवर उठ रहा है या कुछ उलझन है। आप सितारों को देख सकते हैं, उसमें गोल उनको इस तरह से टिमटिमाते हुए दर्शाया है कि भंवर का रूप ले रहे हैं। पूरा दृश्य अगर आप ध्यान से देखें, केवल एक कलाकृति ही नहीं है, रंग ही नहीं है, स्ट्रोक्स ही नहीं है, लेकिन एक भावना नजर आती है कलाकार की। ये हमें सीखना चाहिए कि हम कैसे अपनी भावनाओं को एक लैंडस्केप में भी दर्शा सकते हैं, उसके ये धनी थे। A tribute to the painter. Vincent van Gogh, in a short span of life, produced 2100 works. करीबन 2100 कलाकृतियां बनाई हैं, जिसमें 860 तेल रंग हैं, चित्र हैं। सिंपल थे, साधारण, हार्डवर्किंग और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। एक और ट्रेजेडी या एक और अवसाद का कारण जो उनके जीवन में बन गया था कि उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं मिला। उनकी पेंटिंग्स केवल दो बिकी। उनको लगने लगा कि वो अच्छे चित्र नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपको आपकी जब पेंटिंग माना जाता है कि जब आपकी पेंटिंग्स बिकती हैं और आपको सम्मान मिलता है तो आप एक अच्छे कलाकृतियां बनाते हैं, अच्छे कलाकार हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वैन गॉग के साथ, और एकाकी जीवन व्यतीत किया। और इसके बावजूद उन्होंने अपनी कला की साधना अनवरत जारी रखी, और उनके मृत्यु उपरांत उनको इतनी प्रसिद्धि मिली है कि शायद किसी और कलाकार को ना मिली हो। मैं बताना चाहूंगी कि वैन गॉग के जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई है, एनिमेटेड फिल्म है। उसके एक एक दृश्यों को जो उस टीम में लोग काम कर रहे थे उन्होंने पेंट करके बनाया है। आप जरूर देखिए, देखिएगा। पिक्चर का नाम है लविंग विंसेंट। बहुत महत्वपूर्ण पेंटेड फिल्म है, पेंटेड एनिमेटेड फिल्म है। हाथ से बनाया गया है एक एक सीन। अगर एक सीन में 10 शॉट्स हैं तो 10 को अलग अलग तरीके से पेंट किया गया, वही वैन गॉग के स्टाइल में। उसके अलावा उनके मरणोपरांत नीदरलैंड में उनके नाम से म्यूजियम बनाया गया, और उनके जो कलाकृतियां हैं विश्व के बड़े बड़े संग्रहालयों में संग्रहित है, जैसे मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क, फाइन आर्ट्स बॉस्टन, लॉस एंजलिस इत्यादि। अब उनके कुछ कलाकृतियां, ये अर्ली जो सिया की सौरों की बात कर रही थी, एक असहाय निर्बल स्त्री किस तरह से दिखती है, उसका ये लाइन ड्रॉइंग है, रेखा चित्र है जो उन्होंने दर्शाया है। फिर हेड ऑफ पेजेंट, ये डच काल का है, वही भूरे रंगों का प्रयोग, थकान उस महिला के चेहरों पे, उसकी भावना देख के आप कह सकते हैं ये रानी नहीं है, एक श्रमिक का व्यक्ति चित्र है। प्लम ट्रीज जापानी कला से बहुत प्रभावित थे। जापान में मार्च अप्रैल के समय साकुरा फूल खिलते हैं, प्लम ट्रीज पे फूल उग जाते हैं या चेरी ट्रीज पे, तो सफेद और गुलाबी हो जाते हैं वहां के गार्डन सारे। उसके दृश्य को उन्होंने दर्शाया है, उसे साकुरा सीजन कहते हैं, तो उससे बहुत प्रभावित हो गए थे। आल्स में जो मैंने आपको बताया था नाइट कैफे, लाल और हरे रंगों का प्रतीकात्मक अंकन है भावनाओं को दर्शाने के लिए। ये पॉल गोगवा की चेयर, जोसेफ रोलिन पोस्ट मास्टर जो थे उनके अच्छे घनिष्ठ संबंध थे। देखिए, एक उदासी भी नजर आ रही है या थकान भी नजर आई, तो कैसे एक व्यक्तित्व का आप निखार सकते हैं अपने चित्र में, उस इंसान का व्यक्तित्व कैसे दर्शा सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है विंसेंट वैन गॉग। ये उनका सेल्फ पोर्ट्रेट है, जब उन्होंने कान काट के रेचल के दरवाजे पे रखे आए थे, उसका उन्होंने अपना खुद का व्यक्ति चित्र बनाया था। और पीछे वही जापानी छापा चित्र आपको नजर आता है बैकग्राउंड में, वैन गॉग की अपनी शैली में। उन्होंने कॉपी नहीं किया, उससे प्रेरणा ली और अपने ही स्टाइल में जापानी छापा चित्र को दर्शाया है। ये सेंट रेमी जो समय था जब मेंटल हॉस्पिटल में थे, मानसिक चिकित्सालय में उनका जब इलाज चल रहा था, तो ये उनके बनाए हुए कुछ चित्र हैं। अब यहाँ देखेंगे तो स्ट्रोक्स कितने बड़े गाढ़े होने लग गए हैं। जो बादलों को दिखाया तो भंवर के रूप में नजर आता है कि कोई तूफान आने वाला है, तूफान की आहट से पहले का शांति या समय नजर आता है, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे आवेग उठ रहे थे, क्योंकि वो मानसिक अवसाद से ग्रसित थे। और आगे जाके आपको पता ही है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। डॉक्टर गाशके का जो उनके डॉक्टर थे, उनका व्यक्ति चित्र है, उसमें भी एक थकान या उदासी नजर आती है, असहाय नजर आते हैं डॉक्टर की, शायद वो वैन गॉग का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वैन गॉग भी समझ गए थे कि किसी के पास उनके कष्टों को अंत करने का तरीका नहीं है या उनको उन कष्टों से निजात दिलाने का कोई माध्यम नहीं है, उनको यह महसूस होने लग गया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र या अंतिम चित्र माना जाता है, कंसिडर टू बी हिज लास्ट पेंटिंग,
जब उनको मृत्यु के सपने आने लग गए थे और उनको ऐसा लगने लग गया था कि मृत्यु उनके आसपास है, कौवे नजर आते थे, तो उन्होंने जो कॉर्नफील्ड विद क्रोज नाम की पेंटिंग बनाई है उसको, उसमें उन्होंने मृत्यु के आने का संकेत दर्शाया है, या उनके मन में जो निराशा या आवेग उठ रहे थे और अपने जीवन को अंत करने के उनको जो सपने आ रहे थे और मृत्यु के सपने आए थे उसको इस चित्र के माध्यम से दर्शाया है। स्ट्रोक्स देखिए कितने भयावह हो जाते, भयानक हो जाते हैं, गाढ़े और बड़े बड़े, और इससे पहले जितने भी हमने पेंटिंग्स देखी उसमें वो भयानकता नजर नहीं आती है। आप उनके आरंभिक चित्र देखेंगे तो स्ट्रोक्स छोटे हैं, इतने भयानक नहीं है। ये देखिए गोगुआ के जो कुर्सी बनाई है कितना सुहावना चित्र है, इतना भयानकता नजर नहीं आता। इसका मतलब जो उनका मानसिक अवसाद था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। इसमें भी स्ट्रोक्स हैं लेकिन वो भयानकता या डरावनापन या सिरहन पैदा करने वाले स्ट्रोक्स नहीं है। देख के डर लगने लगे कि ऐसा क्या एक कलाकार दर्शाना चाहता है इस चित्र के माध्यम से, वो वैन गॉग ने अपने चित्रों में दर्शाया है। तो ये उनका अंतिम चित्र माना जाता है, कॉर्नफील्ड विद क्रोस। अगर आप किसी कलाकार को पढ़ना चाहते तो गहराइयों में डूब जाइए जो वैन गॉग ने हमें सीख दी है। इसी वजह से मैंने आपको ये दोनों के बीच में अंतर या तुलना करके दिखाया कि देखिए कैसे कैसे आप उनका मानसिक संतुलन गिरता जा रहा था। एक कलाकृति के माध्यम से आप किसी भी इंसान की मनस्थिति को भी जान सकते हैं। मनोवैज्ञानिक बहुत बार कलाकृति के माध्यम से या कुछ ड्राइंग बनवा के एक बच्चे या बड़े की मानसिक स्थिति को या उनके कष्टों को भी जानते हैं। He wrote to his brother that to accomplish my task, I put myself at risk and I have lost half of my mental balance. उन्होंने ये अपने भाई को लिखा था। बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हैं, लेटर्स लिखे हैं जो उनके नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में जो उनके म्यूजियम है वैन गॉग म्यूजियम, उसमें उन्होंने वहां पे संग्रहित हैं, वहां देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कृतियों को पाने के लिए या अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपने पूरे जीवन को एक रिस्क पे डाल दिया है, उसको खतरे में डाल दिया है और मैंने अपना आधे से ज्यादा मानसिक संतुलन खो दिया है। और इसी वजह से वैन गॉग ने अपने आप को गोली से मार लिया था। और माना जाता है कि वो जो फिल्म है लविंग विंसेंट वो इसी पे बनी है कि उनकी मृत्यु का रहस्य उजागर करने की, और एंड में यही आया कि उन्होंने इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी और उसके एक दो दिन बाद उनकी उस घाव से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो इलाज नहीं कराना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया था कि वो जीना नहीं चाहते तो उनको इलाज नहीं कराना, तो इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। वैन गॉग लेफ्ट अ ग्रेट लेगेसी इन फॉर्म ऑफ हिज पेंटिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस व्हिच आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जो उनके चित्र हैं आज एक बहुत बड़ी धरोहर है हम लोगों के लिए कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज भी उनके चित्र उतने ही समसामयिक हैं, उतने ही प्रेरणादायी हैं जितने कि आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले। इसलिए He said, in spite of all the hardship, he never stopped painting. हमें प्रेरणा देते हैं कि इतनी कठिनाइयों के बाद कभी भी सराहना नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, धोखा मिला, मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गए, लेकिन उन्होंने चित्र बनाना या कलाकृति बनाना या साधना करना कभी नहीं छोड़ा। नहीं तो हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, आपकी पीढ़ी में खासकर बहुत जल्दी निराशा आ जाती है। इसलिए आप निराशा ना अपनाएं, वैन गॉग से सीखें कि आगे चलते रहें, बढ़ते रहें और सुंदर कलाकृतियां बनाते रहें। और मौलिकता होनी चाहिए जो वैन गॉग के चित्र, कैसे उन्होंने एक लैंडस्केप को या दृश्य चित्र को अपने ही तरह भावना के साथ दर्शाया है। मौलिकता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रेरणा और अनवरत साधना करना और गहराइयों में जाना वैन गॉग से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे हमें कोई देखे ना देखे, हमारी कला हमें आगे जरूर पहुंचाएगी। धन्यवाद।